हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी इनसाइट। एसएससी एमटी 2019 का स्पॉटिंग एरर का जो क्वेश्चन था वो हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ऑलरेडी 3 क्लासेस हो चुके हैं स्पॉटिंग एरर के ऊपर, ये क्लास नंबर 4 है। यहाँ पे अगेन हम 10 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एसएससी इनसाइट के नाम पे ही है। अगर आपको इच्छा हो तो आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ पे आप अपना डाउट भी भेज सकते हो। टीसीएस का जो लेटेस्ट क्वेश्चन पैटर्न है एसएससी एमटी 2019 के अकॉर्डिंग, मैंने ये चार्ट बनाया है कि किस किस चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है। जैसे कि स्पॉटिंग एरर से 3 क्वेश्चन आता है, इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस से 3 क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स से 4 क्वेश्चन आता है। तो ऐसे करके आप ये एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इससे आपको सुविधा होगा कि कौन से चैप्टर से कितना नंबर ऑफ क्वेश्चन आता है एंड कितना वेटेज है एक चैप्टर का। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग एज अ फोटोग्राफर ऑफ द लोकल न्यूज़पेपर। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि एक लोकल न्यूज़पेपर है, उसके लिए मेरे एक दोस्त एज अ फोटोग्राफर काम करते हैं। तो लोकल न्यूज़पेपर के लिए ये काम करते हैं ना, तो यहाँ पे क्या ऑफ आएगा? ऑफ नहीं आएगा, यहाँ पे फॉर आएगा। अ फ्रेंड ऑफ माइन इज वर्किंग एज अ फोटोग्राफर फॉर द लोकल न्यूज पेपर। फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। द एसे इज डिवाइडेड इंटू 5 पैराग्राफ्स एंड एवरी ऑफ दीज हैज 7 सेंटेंसेस। तो एक एसे है वो 5 पैराग्राफ्स में डिवाइडेड है एंड ये एक एक जो पैराग्राफ है, ये एक एक पैराग्राफ अगेन 7 सेंटेंसेस में डिवाइडेड है। तो क्या कह रहे कि 5 पैराग्राफ में से ईच पैराग्राफ 7 सेंटेंसेस में डिवाइडेड है। तो यहाँ पे एवरी तो नहीं होगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? ईच आना चाहिए। ईच ऑफ दीज पैराग्राफ्स, मतलब ये जो 5 पैराग्राफ है इसमें से हर एक पैराग्राफ 7 सेंटेंसेस में डिवाइडेड है। ठीक है, तो यहाँ पे ईच ऑफ दीज आना चाहिए, ना कि एवरी। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट द जॉब कुड बी योर व्हेन शी लीव्स। देखिए यहाँ पे सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में चल रहा है, बट ये जो कुड है ना, इसको आप पास्ट मत अज्यूम करने लगा। मतलब पास्ट तो है ये, बट ये पास्ट के साथ साथ क्या है, मॉडल भी तो होता है ना। सिर्फ पास्ट तो नहीं है ना, कैन का पास्ट कूड हो गया, ये तो सिर्फ नहीं है, ये तो मॉडल के लिए भी यूज होता है। ये एक पोटेंशियल और कैपेबिलिटी के लिए भी यूज होता है, कूड, कैन, कूड, ये सब यूज होता है क्योंकि ये मॉडल्स है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जॉब कुड बी आपका हो सकता है व्हेन She lives, तो आपका हो सकता है, मतलब ये जॉब आपको बिलोंग कर सकता है। तो ये बिलोंगिंग और पोजिशन के टाइम हम ये यूज करते हैं योर्स, ना कि योर होगा। तो इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट द जॉब कुड बी योर्स व्हेन शी लिव्स, तो ये योर्स आना चाहिए, योर्स। तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। द मदर एज वेल एज हर चिल्ड्रेन वर ब्रॉट टू द पुलिस स्टेशन फॉर इंटरोगेशन। अब देखिए, अगर आपने मेरी पहली जो वीडियोस है इंग्लिश प्रीवियस ईयर्स का, वो अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा एंड इसका एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से पता होगा, क्योंकि मैंने बहुत अच्छे से वहां पे एक्सप्लेन कर दिया था। इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो अगर आपने ये फर्स्ट वीडियो देख रहे हो मेरी, तो आप हो सकते हो कि नहीं आपको पता हो, तो इसलिए मैं यहाँ पे फिर से आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, ध्यान से देखना एंड ये कॉपी में जरूर नोट कर लेना। ये जो वर्ड्स है ना, अगर आपके सेंटेंस में रहता है तो एक रूल यहाँ पे काम करेगा। देखिए, एज वेल एज, रादर देन, लाइक, अनलाइक, और होता है बिसाइड्स, होता है इन एडिशन टू, होता है इन एडिशन टू, होता है एंड उसके साथ साथ टुगेदर विथ, अलोंग विथ, अगर ये सब आपके सेंटेंस में रहता है एंड आपके सेंटेंस दो से अधिक सब्जेक्ट कंसिस्ट करता है, तो ये जो वर्ब है, ये वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। मतलब यहाँ पे देखिए एज वेल एज है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ब होगा ना, ये फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। अब फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो यहाँ पे वेयर होगा क्या? नहीं होगा, यहाँ पे वाज होना चाहिए। तो इसलिए फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे एज वेल एज है। ऐसे एज वेल एज, रादर देन, लाइक, अनलाइक, बिसाइड्स, इन एडिशन टू, टूगेदर विथ, अलोंग विथ एंड इससे भी ज्यादा और भी कुछ वर्ड्स है, बट ये प्रोबेबली ज्यादा आते हैं एसएससी के क्वेश्चंस एंड एसएससी में ये फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का। तो ये है आपका लॉजिक, आपको याद रखना चाहिए। अगर ये आया एंड आपका सेंटेंस दो से अधिक सब्जेक्ट्स कंसिस्ट करता है, तो आपका जो वर्ब बैठेगा वो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। यहाँ पे और एक रूल है, अगर आपके जो सेंटेंस है उसमें आइदर और
neither nor none but not only but also, ये चार अगर रहता है ना, ये देखिए इसका लिस्ट शॉर्ट है, इसका लिस्ट बहुत लॉन्ग है, either or, neither nor, none but, not only but also, ये चार अगर रहता है तो आपका जो वर्ब फॉर्म है वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। मतलब यहाँ पे अगर either or, neither or रहता है तो वर्ब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बैठेगा। तो ये दो जो रूल है जरूर जरूर याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे when नहीं आएगा, यहाँ पे was आएगा, इसलिए फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन। यू आर नॉट एक्सपेक्ट टू डू द वर्क अलोन। अब क्या हो रहा है कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये काम आप अकेले नहीं कर सकते, तो आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है, तो ये क्या हुआ, पैसिव फॉर्म हुआ ना, पैसिव फॉर्म हुआ, इसलिए यहाँ पे यू आर नॉट एक्सपेक्टेड होगा, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड, तो इसलिए ये फर्स्ट वन इज द करेक्ट ऑप्शन, यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू द वर्क अलोन। No sooner did the rabbit come out of the bush when the hunter killed it. अब देखिए ये भी SSC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, इसमें से भी बहुत आता है क्वेश्चन। No sooner के साथ आता है then, when नहीं आता है, when नहीं आता है, तो यहाँ पे then आना चाहिए, तो यहाँ पे थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे when नहीं आएगा then आएगा, क्योंकि no sooner के साथ then बैठता है। Hardly, rarely, barely, scarcely, इसके साथ क्या बैठता है, when बैठता है, ठीक है। hardly, scarcely, hardly, rarely, scarcely, barely, इसके साथ when बैठता है, and no sooner के साथ then बैठता है, तो इसलिए third one is the correct answer. This coffee is not available in any of the shop in the neighborhood market. अगर आपने neighborhood market में एक coffee आप फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे थे, सर्च कर रहे थे, बट आपको शॉप में नहीं मिला। अब बहुत सारा शॉप होगा, उनमें से कोई भी शॉप का आपको नहीं मिला। अगर एक शॉप हुआ तो आप क्या कहोगे, उनमें से कोई भी शॉप में नहीं मिला। अगर एक शॉप है तो उसमें से कोई भी का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो इसमें एनी ऑफ द शॉप्स आएगा, यहाँ पे गलती है, एनी ऑफ द शॉप्स, बहुत सारा शॉप्स है, उनमें से कोई किसी में भी आपको ये कॉफी नहीं मिला, तो इसलिए This coffee is not available in any of the shops आना चाहिए यहाँ पे, तो third one is the correct answer. David and me are brothers but from different mothers. अब देखिए यहाँ पे David and me होगा क्या, me नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ क्या आएगा, I आएगा। अब हमें बोलिए कि अगर मैं ऐसे लिखती हूँ, David and you are brothers but from different mothers, क्या ये ठीक होगा? डेविड क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, आई क्या होता है, फर्स्ट होता है, एंड यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है। तो इसका एक सीक्वेंस का एक रूल है, इसको जैसे भी ऐसे नहीं बैठ सकते, मतलब ऐसे हम नहीं कह सकते आई एंड डेविड, ऐसे नहीं कह सकते यू एंड डेविड, डेविड एंड यू, इसमें एक रूल है, वो रूल मैं आपको यहां से लिख देती हूँ। देखिए 2 3 1 ऐसे बैठते हैं, कैसे 2 3 1, अगर तीनों के तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तीनों के तीनों पर्सन अगर एक सेंटेंस में हो तो ऐसे बैठेगा। मतलब मैं एग्जांपल से आपको बताती हूँ, यू सीता एंड आई हैव फिनिश्ड द टास्क, सीता आई एंड यू ऐसे नहीं लिख सकते, यू आई एंड सीता ऐसे नहीं लिख सकते, आपको ये जो ये सिक्वेंस में ही आपको लिखना है, क्योंकि ये प्रोनाउन का रूल है कि पहले सेकेंड पर्सन बैठता है, उसके बाद थर्ड पर्सन बैठता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन बैठता है। तो अब देखिए यहाँ पे डेविड एंड आई है, तो क्या है, पहले इस रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या, पहले थर्ड पर्सन बैठेगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन बैठेगा, तो यहाँ पे ये ठीक है, बट ये फॉर्म गलत था प्रोनाउन का। अच्छा, अगर मैं ये बोलती हूँ आपको डेविड एंड यू, तो ये क्या पैटर्न हो गया, 3 2 पैटर्न हो गया, पहले यहाँ पे थर्ड पर्सन बैठा है, उसके बाद सेकंड पर्सन बैठा है, तो ये रूल से जा रहा है का, नहीं जा रहा है, तो ये गलत हुआ, ये नहीं होगा, ये क्या लिखना चाहिए, यू एंड डेविड ऐसा लिखना चाहिए, ठीक है, यू एंड डेविड ऐसा लिखना चाहिए। अच्छा, मैं अगर कहती हूँ कि आई एंड यू, क्या ये ठीक है, ये तो फर्स्ट पर्सन हुआ एंड ये तो सेकंड पर्सन हुआ, क्या ये ठीक है, इस रूल से जाता है, नहीं जाता है, क्योंकि पहले सेकंड पर्सन बैठेगा, उसके बाद ही फर्स्ट पर्सन बैठेगा, ठीक है। मतलब ये एक्चुअली में क्या होना चाहिए, गलत है, एक्चुअली में क्या होना चाहिए, यू एंड आई होना चाहिए, ठीक है। तो
आपको ये रूल अच्छे से याद रखना चाहिए कि अगर एक सेंटेंस में तीनों ही रहे, मतलब सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन सब रहे, तो पहले सेकंड बैठेगा, उसके बाद थर्ड बैठेगा, उसके बाद फर्स्ट बैठेगा। अगर सिर्फ सेकंड एंड थर्ड है तो सेकंड थर्ड ऐसे बैठेगा, अगर सिर्फ थर्ड एंड फर्स्ट है तो थर्ड एंड फर्स्ट ऐसे बैठेगा, अगर सिर्फ सेकंड एंड फर्स्ट है तो सेकंड एंड फर्स्ट ऐसे बैठेगा। तो ये ना एकदम से नोटबुक में कॉपी कर लो, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है, आपको ये याद रखना है। अगर ये ऐसे आप याद रखोगे ना, आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं होगा, सिर्फ 2-3-1 याद रखना, उससे ये जो तीनों है वो डिडक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे थर्ड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, डेविड एंड आई आना चाहिए। नाइन्थ क्वेश्चन, अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैव द अथॉरिटी टू सस्पेंड एन इंस्पेक्टर। अब देखिए, अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, यहाँ पे सिर्फ पुलिस नहीं है, यहाँ पे एक सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के मतलब एसपी की बात हो रही है, एक वो भी एक या ए यहाँ पे है, तो यहाँ पे हैव आएगा क्या? नहीं आएगा, यहाँ पे हैज आना चाहिए। अ सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैज द अथॉरिटी टू सस्पेंड एन इंस्पेक्टर, तो यहाँ पे सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन में हम जा चुके हैं, माई फ्रेंड यूजुअली वेक्स अप लेट ऑन संडे मॉर्निंग। अब यहाँ पे देखिए, यूजुअली का मतलब ये एक आपको रूटीन समझा रहा है, रूटीन है ये, इनका एक हैबिट है, माई फ्रेंड का एक हैबिट है ये कि वो हर संडे मॉर्निंग को लेट उठता है, ठीक है, तो ये उनका एक रूटीन हुआ, ये उनका एक हैबिट हुआ। तो इसके लिए आपको सिंपल प्रेजेंट यूज करना होता है, हैबिट, रूटीन और इटर्नल ट्रूथ, ये सब के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं, तो ये एकदम सही, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो ये चीज ठीक है। एंड ये ऑन जो प्रीपोजिशन है जो संडे के आगे बैठा है, ये भी एकदम से ठीक है। तो ये जो सेंटेंस है ना, ये एकदम ठीक है, वेक्स अप भी ठीक है, ये भी ठीक है, तो ये सेंटेंस में ना कोई भी एरर नहीं है, ये एरर फ्री है, तो इसलिए सेकेंड वन इज द करेक्ट ऑप्शन, नो एरर। तो ये रहा हमारा सेट फोर, एंड और एक ही सेट बचा है सेट फाइव, अगर वो हम खत्म करते हैं, वहां पे 10 क्वेश्चंस खत्म करते हैं, तो हमारा स्पॉटिंग एरर का जो मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस है एमटीएस 2019 का, वो हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद कोई और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो पढ़ते रहिए, क्योंकि ये आपका आपके लिए गोल्डन टाइम है पढ़ने का। एग्जाम्स पोस्टपोन हो रहा है, अब कब एग्जाम स्टार्ट होगा फिर से उसका कोई पता भी नहीं, क्योंकि वो एसएससी खुद भी नहीं बता सकता, क्योंकि सिचुएशन बहुत ही खराब चल रहा है आसपास। तो इसलिए ये टाइम को आपको अच्छे से यूटिलाइज करके आपका प्रिपरेशन एकदम फुल रखना है, क्योंकि कभी भी अगर एग्जाम के लिए शेड्यूल आ जाता है तो आप प्रिपेयर रहना, अभी तो नहीं आ सकता, जो सिचुएशन है उससे यही समझ आता है कि अभी नहीं आ सकता, तो एकदम कंसिस्टेंटली डेली पढ़ते रहना, पढ़ाई में कोई मिस नहीं आना चाहिए, कोई लैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए गोल्डन टाइम है पढ़ने का, ठीक है। तो दैट्स ऑल, पढ़ते रहिए, थैंक यू।